नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई एम इन बिफोर यू, आप सबके सामने हूँ। और मैंने ये चैनल YouTube पर, मेरा चैनल है, मैंने इसे फरवरी 2019 में स्टार्ट किया था। और स्टार्टिंग में जब मैंने ये चैनल बनाया था तो मेरी बस यही सोच थी कि जो मेरे बच्चे हैं जिन्हें मैं पढ़ाता था गाँव में, वो छोटा सा कस्बा जहाँ मैं रहता था मवाना, 10th 12th के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये चैनल बनाया था, क्योंकि मैं अपने गांव में और जो अपने कस्बे में देख रहा था कि इंग्लिश के प्रति लोगों में इतना फियर था ना, कि वे इतना डरते हैं इस सब्जेक्ट्स को लेकर। आई थिंक वैसे सब्जेक्ट कहना भी गलत होगा, इंग्लिश जो लोग घबराते थे। और इसी वजह से हमारे गाँव के जो लड़के हैं या जो शहर में लड़के रहते हैं, वो छोटी मोटी नौकरी के लिए तैयारी करते रहते हैं। जैसे आपका यूपी पुलिस हुआ, ये बड़े लेवल पर सोचते नहीं हैं, क्योंकि जितने भी बड़े लेवल के एग्जाम हैं वहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो उनका बेस ही अच्छा नहीं है इंग्लिश को लेकर, उनके अच्छे टीचर की तलाश हमेशा रहती है। और गांव कस्बों में आप जानते हैं कि क्या सिचुएशन है, उनके पास पैसा नहीं है लोगों के पास अच्छी जगह पढ़ने का। तो जब मैंने इस सब्जेक्ट पे मेहनत की है, काफ़ी मेहनत मैंने की है इंग्लिश पर, ये इंग्लिश ही नहीं कह रहा, सभी सब्जेक्ट्स पर मैंने मेहनत की है, ओके, नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट आई कैन टॉक अबाउट ओनली इंग्लिश। मैंने सभी सब्जेक्ट्स पर मेहनत की है, बट हाँ, इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, बिकॉज मैंने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा है, इस लैंग्वेज पर अच्छे से स्टडी की है। और अब देखते हैं, पहले सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो क्या वजह रही मेरा, जो मैंने लेक्चर को, मैंने जो अपने YouTube चैनल को क्विट किया। देखिए, मैंने फरवरी 2019 में स्टार्ट किया था चैनल, उसके बाद मैंने कम से 10-12 वीडियो उसमें डाली थी, कुछ रेस्पॉन्स मिला भी है ठीक ठाक। बट वही है ना कि जब तक आप खुद किसी काबिल नहीं हो ना, चाहे आप कितनी भी नॉलेज लिए बैठे हो भाई, जब तक आपने खुद कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है तो कोई भी आपसे पढ़ना चाहेगा नहीं, ठीक है। तो पहले तो सोचा था कि 10th 12th वालों को ही, फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना बड़े लेवल पर चीज़ों को तैयार किया जाए, SSC बैंक सभी की तैयारी क्यों ना कराई जाए। तो उसके लिए ज़रूरी था कि सबसे पहले मैं खुद उस काबिल बनूँ कि मैं फ़ख्र से कह सकूँ कि हाँ, अब मैं लायक हूँ आपको इंग्लिश पढ़ाने के। लायक तो तब भी था, बट एक टैग जो होता ना, टैग लगाना बहुत ज़रूरी था, वो अब टैग मेरे पास है। जैसे आपने मेरा थंबनेल भी पढ़ा होगा यूट्यूब का, कि मैंने कैसे एग्ज़ाम, वेरियस एग्ज़ाम्स मैंने SSC के निकाले हैं, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, SSC MTS से लेकर SSC CGL तक, SSC CHL, SL, SSC CPO, सभी एग्ज़ाम्स को मैंने निकाला है भाई। और ये सब हुआ है पिछले 1-1.5 साल के अंदर ही। तो मैंने क्या ऐसे किया कि 1-1.5 साल मेरी मेहनत में ही मैंने सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, तो बहुत सारी वजह इसके पीछे रही होंगी ना, तो उन वजह पर डिटेल में बात करेंगे। मैं सब में सारे एग्ज़ाम्स के बारे में एक एक वीडियो लेकर आऊँगा, MTS के बारे में बताऊँगा, फिर मैं CHSL में मैंने कैसे क्वालिफाई, किस तरह से मैंने स्टडी की वो भी बताऊँगा, CGL मैंने कैसे निकाला, कैसे स्टडी की वो मैं आपको बताऊँगा। ये वीडियो सिर्फ इसलिए ही है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वापसी कर दी है भाई, अब तहलका मचेगा, ठीक है। और मैं आपको ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे एग्ज़ाम निकले हैं भाई, नहीं, मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊँगा, ठीक है। आई विल मेक यू सी आई क्वालिफाई ऑल द एग्जाम्स, ठीक है। मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है, उसके बाद फिर बातें करेंगे आगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि मैंने कौन कौन से एग्जाम्स निकाले हैं, 1-2 एग्जाम्स को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है भाई। चलो, हेयर वी गो, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है और मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा SSC CHSL का जो मेरा एग्ज़ाम था, सबसे पहले उसको दिखाना चाहूँगा। मैं अपना रिजल्ट निकालता हूँ, जस्ट वेट अ लिटिल, ये नहीं, ये देखो, अब आप देख सकते हैं, देखिए अब आपके लिए विजिबल होगा, देखना ज़रा, ये मैंने अपनी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैंने उसे हाइड कर रखा है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, देखिए, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2019, ओके। अब आप आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर को मैंने बेटा क्या किया, आपने अब हाइड किया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर किसी के सामने नहीं बताया जा सकता। नेम आप जानते हैं, सुबोध कुमार मेरा नाम है, डॉक्यूमेंट्स में मदर्स नेम मेरे सुरेश है, OBC कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ। रोल नंबर आप ध्यान से रोल नंबर देखें, 3130164019 59, फादर्स नेम ऋषिपाल, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ मैंने हाइड किया, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैंने पर्टिकुलर जो मेरे सब्जेक्ट है उसमें कैसे कैसे नंबर आए मैंने ये भी हाइड किया है।
सिर्फ आपको मैंने फाइनल स्कोर नॉर्मलाइज्ड स्कोर लिखा हुआ है, कितने मार्क्स बन रहे हैं 173.84455, मतलब 174 आप इसे मान सकते हैं। साइंस विद मैथ्स, यस साइंस से मैथ्स से ही मैंने किया है, पीसीएम से मैंने ट्वेल्थ की है उसके बारे में दिखाया गया है। और ये जो मेरे मार्क्स है 174, ये आउट ऑफ 200 मार्क्स है, तो आप लगा सकते हैं 85% के करीब मेरे तकरीबन मेरे मार्क्स बने हैं टायर फर्स्ट में। ओके, तो ये रहा मेरा सीएचएसएल का रिज़ल्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर शो कराऊँगा, देखते हैं वो, नहीं ये तो हमारा दूसरा है। जी ये सीपीओ का है, इसके बाद में दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और ये मैं आपको एक बार और ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ सीएचएसएल से रिलेटेड ही अपनी, ये तो नहीं, कहाँ गया भाई, देखो ये देखो, इसे आप ध्यान से देखना ज़रा, ये लिखा स्टेटस डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 पेपर सेकंड। ये पेपर फर्स्ट मेरा क्वालिफाई हुआ है ना, मैंने आपको बताया, वो पेपर सेकंड मेरा 14 फरवरी 2021 को कहाँ पर हेल्ड हुआ है, ये नेम सबूत कुमार आप पढ़ सकते हैं, ऋषिपाल, रोल नंबर आपने देख ही लिया होगा मेरा, ये रहा रोल नंबर, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम डेट है, उस पर क्वालिफाइड फॉर पेपर सेकंड, और ये मेरा पेपर प्रयागराज में हुआ था जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। ये मेरा एग्ज़ाम हुआ था प्रयागराज में, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एसएससी सीपीओ, ये मेरा अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल अराउंड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2020, ये आप देख सकते हैं सुबोध कुमार, ये मेरा रोल नंबर आप देख सकते हैं, देखो ध्यान से 30/11/60/34/30। अभी टायर फर्स्ट का रिजल्ट आया, अब आपको अपनी मेरिट दिखाता हूँ, आपको लिस्ट दिखाता हूँ जहाँ मेरा नाम है, प्रूफ है भाई, सब कुछ प्रूफ है आपके सामने, कुछ भी आपसे छिपा हुआ नहीं है भाई। ये सुबोध कुमार देख सकते हैं, ये मेरा रोल नंबर है 30/11/60/34/30, ओबीसी 6, ठीक है। ये मेरा सीपीओ का रिजल्ट आया अभी कुछ दिन पहले, और अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो एसएससी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल, उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मेरिट दिखाता हूँ टायर फर्स्ट की, ये मेरा टायर फर्स्ट, ये आप मेरा रोल नंबर देखो पहले एक बार, 30/11/60/14/41 सुबोध कुमार, ये मेरा किसका रिजल्ट है भाई, ये हमारा एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का मेरा रोल नंबर है, ये ध्यान से रोल नंबर देखना। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ मेरे कितने मार्क्स बने थे टायर फर्स्ट में, हेयर वी गो, मैं थोड़ा इसे आपके लिए विजिबल करता हूँ। अब आप देख सकते हैं, ये पहले देखो यहाँ पे सुबोध कुमार, ये रोल नंबर देखो अभी आप, मैंने आपको दिखाया लिस्ट में 30/11/60/14/41, फादर नेम ऋषिपाल, मदर नेम सुरेश, ओबीसी देख सकते हो आप। और अब आते हैं, मैंने ये सब कुछ ऐड किया हुआ है फाइनली, जो मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर देखते हैं, 10 मार्क्स मेरे बड़े थे, 147 मेरे रो स्कोर थे, और नॉर्मलाइज्ड स्कोर मेरा है 157, ठीक है। ये मेरा टायर फर्स्ट का रिजल्ट है, और जैसा कि आप जानते हैं 2019 का टायर सेकंड हमारा हो चुका है, टायर थर्ड भी हमारा हो चुका है, उनके एडमिट कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये मेरा देखो पढ़ो, डाउनलोड एडमिट कार्ड फोर कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर सेकंड 2022 भी हेल्ड फ्रॉम 15, ये देख सकते हैं आप, टायर टू मेरा हुआ था, ठीक है। और जी ये देखो पेपर फर्स्ट 15 तारीख को तो मेरा ये मैथ का था, सेकंड पेपर मेरा इंग्लिश का था, क्वालिफाइड फॉर टायर टू, उसके बाद जब मेरा हो गया था इसके 7 दिन बाद ही मेरा था टायर थर्ड का एग्ज़ाम, ये रखा टायर थर्ड का मेरा एडमिट कार्ड, आप पहले ऊपर पढ़ो कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर थर्ड 2019, और देखो सुबोध कुमार ऋषिपाल रोल नंबर आप देख सकते हैं, और ये देखिए हमारा एग्ज़ाम डेट 22 तारीख प्रयागराज में ही हुआ था, क्वालिफाइड फॉर टायर थर्ड, और इसका रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में आया, नंबर्स नहीं आया बेटा, सिर्फ इसका क्या है हमारी एक मेरिट लिस्ट आई है, मैं आपको दोनों चीज़ दिखाता हूँ, पहले दिखाता हूँ मेरिट कितने ऊपर गई है, ये देखो ज़रा, ये आप देख सकते हैं हमारी जो ओबीसी की मेरिट 478 पर लगी है, कितने में से लगी है 600 में से, 600 में से 478, मतलब 80% पर जाकर लगी है, और 528 यूआर की लगी है, ठीक है भाई। और अब मैं आपको अपना नाम दिखाता हूँ लिस्ट में, ये देख सकते हैं आप सेकंड पेपर, ये हमारा टायर टू का रिजल्ट है बेटा, ये अब मेरा रोल नंबर रहा 30/11/60/14/41 सुबोध कुमार। आई थिंक मैं सोचता हूँ कि इतना ही जो है प्रूफ बहुत है, ये कोई कम प्रूफ नहीं है, मैंने सब कुछ आपके सामने क्लियर कर दिया है, तस्वीर कुछ भी आपसे छिपा नहीं है, ठीक है। और मैंने कैसे इतने एग्ज़ाम्स निकाले हैं, ठीक है,
आईबी का भी मेरा एग्जाम हुआ है, वो भी मेरा बहुत अच्छा गया। उसका भी कुछ अभी 2-4 दिन में रिजल्ट आने वाला है, उसका भी फिर मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे मैंने ये एग्ज़ाम निकाला। तो अभी 2-3 वीडियो ऐसे ही मैं बनाऊंगा। आज तो मैंने सिर्फ आपको ये प्रूफ दिखाया है कि मेरे ये एग्ज़ाम्स निकले हैं। पिछले 1.5-2 साल अगर मैं दूर रहा हूँ आप लोगों से, अपने यूट्यूब चैनल से, बहुत इच्छा थी यार कि एजुकेशन दी जाए, फ्री में एजुकेशन दी जाए सभी बच्चों को। अगर मैं काबिल हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एजुकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ अमंग द पीपल हु वांट्स, ठीक है, जिसे ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं। और वे क्या नहीं कर सकते, वे भाई कहीं बाहर नहीं जा सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है, घर की सिचुएशन ख़राब है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं सदैव आगे रहूँगा भाई, ठीक है। मेरा वैसे बेसिकली चैनल इंग्लिश का ही है, बट इंग्लिश के अलावा मैथ वगैरह में भी मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा, छोटी मोटी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, ये भी मैं आपको बताता रहूँगा समय समय पर, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे कम समय में आप सारे एग्ज़ाम को उखाड़ सकते हैं, निकालने थोड़ा उखाड़ सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगा भाई, ठीक है। डोंट बी वरी, और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, ये सभी के लिए एक सार है। ये नहीं कि मैं अगर SSC वालों को पढ़ा रहा हूँ या बैंक वालों को पढ़ा रहा हूँ तो 10th 12th वाले बच्चे नहीं पढ़ सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका ये भ्रम भी मैं दूर करूँगा अगली वीडियो में। आज नहीं, आज ही लंबी वीडियो हो जाएगी अगर सारी बात मैं आज डिस्कस कर दूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मैंने आपको बताया कि मैं क्यों दूर रहा अपने चैनल से। अब दोबारा से अच्छे से हम प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, मिलकर मेहनत करेंगे। जो मैंने कमाया है, जो मैंने मेहनत की है, उस मेहनत को मैं आप सब में सबको देना चाहता हूँ विदाउट कॉस्ट, ओके। और रेगुलरली वीडियो आपको 10 तारीख के बाद से मिलेंगी। उससे पहले मैं आपको कैसे मैंने MTS निकाला, कैसे मैंने CGL निकाला, कैसे मैंने CHSL निकाला, कैसे मैंने CPO निकाला, IB मैंने कैसे निकाला, आने वाले में डेफिनेटली बताएं कि मेरा नंबर है। तो मैं सबके एग्ज़ाम्स के बारे में आपको बताऊँ कि मैंने कम समय में 1-1.5 साल की मेहनत में ही कैसे इन एग्ज़ाम्स को निकाला है। उसके बाद फिर 10 तारीख के बाद आपको रेगुलरली वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। स्टार्टिंग से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे हम, अच्छे से तैयारी करेंगे, जो फियर है उसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है, अप्लाइड इंग्लिश पर हम काम करेंगे, ठीक है, ओके। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपके रेस्पॉन्स का मैं इंतज़ार करूँगा, कैसा रेस्पॉन्स आप देते हैं। अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही मैं आपके लिए करूँगा। इसी उम्मीद के साथ रखता हूँ, अब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माई चैनल, ओके। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।